बसती उसकी किस्मत है जो मेहनत से घबराता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी। मेहनत चांद सितारे जुगनू, मेहनत दीपक बाती, रस्ते की एक एक ठोकर हमको है ये समझाती। मंजिल जिसको पग पग ढूंढे वो किस्मत का विधाता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी बुलंदी। अब्बू अब्बू इसे तार क्यों कहते हैं? ये तार कब आया? मम्मी हाथ बहुत दुख रहे हैं मेरे। अच्छा एक काम करते हैं, तेरे अब्बू आएंगे ना तो तू लड़कियों को संभाला कर और मैं यहाँ बैठ जाया करूँगी। बाकी लोगों की शक्ल अपने से मिलती जुलती है, इसलिए हम वहाँ जा सकते हैं ना। इनकी माँ इन्हें पढ़ने के लिए कभी नहीं मारती थी, इनको पढ़ना नहीं आता। सरला की एक ही बिटिया है, बित्ते भर की है, अगर जो बड़ी बड़ी बातें करती है। छह कालीन बनवाना चाहते थे अपने नमूने के। सकीना मुश्ताक स्कूल जाएगा, वो आप अपने बाप की तरह जाहिल नहीं बनेगा। सर जी, जी मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए। कालीन बुनता हूँ अपने अब्बू के साथ। कंचे लट्टू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? नहीं। आज तो माँ तब भी बड़े खुश थे, मुझे तो बड़ा मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। आज मैंने पढ़ाई भी की, मैंने भी। अरे अब्बू, अरे मेरे मुश्ताक, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अब तो रोज रोज स्कूल भी आता है, छोटा थोड़ी ना है। क्या बड़ा भी हो जाएगा, ऐसी क्या बातें हैं? आज पहला दिन था ना इसलिए आया हूँ। तुम कौन हो? मैं फूल सिंह, भैरव सिंह जी का बेटा हूँ मैं। अरे तो आप भैरव सिंह जी के बेटे हैं? हाँ। अरे बेटा जीते रहो जीते रहो। है चलो मुश्ताक जल्दी घर चलो, अम्मी इंतजार कर रही है। अभी ये तो देखो इसने हमें कितने अच्छे अच्छे कंचे दिए हैं। अरे बेटा इनके कंचे इनको लौटा दो। क्यों? किसी की कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे जो पिताजी हैं वो कुछ नहीं कहते हैं। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी पुलिस वाले जो ठहरे बड़े दिल वाले हैं, हैं? बेटा इनकी चीज लौटा दो। नहीं नहीं रहने दीजिए, अब ये इसी की है। अच्छा अब धीरे धीरे मैं तुम्हें खेलना भी सिखा दूंगा, कल आ जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा दीवान जी को हमारा सलाम बोलना। ठीक है कल आ जाना मुश्ताक। हाँ जरूर आऊंगा। बड़ा अच्छा बच्चा है, है? हाँ। अब्बू हाँ बेटा हम भी औरों की तरह खेलते क्यों नहीं है? बेटा खेलते तो हो, कितना खेलते हो तुम, सारा दिन अपनी अम्मी को परेशान करते रहते हो। अब्बू वो खेला नहीं, खेलना जो हमें आता ही नहीं, सब हम पे हंसते। अरे कौन हंसता है तुम पे? अरे तुम तो इतने होशियार हो, पूछो अपने चाचा से। क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बू। आपको एक मजे की बात बताऊं? हमारे स्कूल में ना कई लड़के हैं जिनको रंग ही नहीं मालूम कैसे बनते हैं, उन्हें लगता है रंग ऐसे ही बन जाते हैं। अरे बेटा तुम्हें तो सारे रंगों का पता है, उन्हें बच्चों को बताया नहीं तुमने? अब्बू हम क्या लोगों से अलग है? कोई अलग नहीं है, अल्लाह मियाँ ने सबको एक सा बनाया, तुम भी औरों जैसे हो। लेकिन हम क्लास में सबसे कम जानते हैं, मास्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी अकल पैरों में, ऐसा क्यों अब्बू? देखो बेटा ये बात तुम अपने रामप्रसाद चाचा से पूछना। हाँ रंगों की बात है वो मुझसे पूछो। अब्बू ये देखिए कितने पिघले हुए रंग है।
ये लो बेटा। अबू आप हमें और दिलाएंगे? हाँ हाँ आओ घर चलते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। छोटी बिटिया यहाँ। आज फिर हमें छोटी बिटिया कह रही? आप तो छोटी बिटिया है ही ना। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, छोटा सा कालीन। हमारा जन्मदिन है ना, मैंने इसीलिए मंगवाया है। तुम्हारे लड़की का जन्मदिन होता है? होता है ना बिटिया। और तुम्हें पता है अब हमारा जो बिटुआ है ना वो भी स्कूल जाता है, खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तुमने उसे किताब लेकर नहीं दी, वो कहाँ नहीं पढ़ता है? नहीं बिटिया, उसके वो राम प्रसाद चाचा जी है ना, वही उसे स्कूल ले जाएंगे, वही पढ़ेगा और तार भी पढ़ेगा। ओफो फिर तेरा दिमाग चाट रही है। अरे नहीं दाई जी, आपकी ये जो छोटी बिटिया है ना खूब मीठी मीठी बातें करती है, अल्लाह करे ये हजार साल जिए। हजार क्या होता है? बहुत सारा होता है। फिर आपका लड़का भी हजार साल का हो जाएगा? अल्लाह चाहेंगे ना बिटिया तो जरूर हो जाएगा। माई इनका लड़का स्कूल जाता है, उसे भी किताब दो ना। हाँ हाँ ला दूंगी, अभी दो। नहीं बिटिया रानी, उसके चाचा जी है ना वही ला देंगे उसे किताब विताब। वैसे सकीना ये तूने बड़ा अच्छा किया जो उसे पढ़ाई करने भेज दिया। हाँ वो तो ठीक है, मगर उसके अब्बू पे बड़ा बोझा आन पड़ा है, हाथ गोड़ दुखते रहते हैं। उसी की दवाई लेने तो आई हूँ मैं, वो हकीम की दवा से तो फर्क ही ना पड़ा। हाँ हाँ वो भी दे दूंगी, पर पहले तू ये आसन के पैसे रख। नहीं नहीं दाई जी आज नहीं, मैं फिर ले लूंगी ना, आज बिटिया रानी का जन्मदिन जो है। नहीं नहीं ये पैसे तो तुझे रखने पड़ेंगे, रखना। आप लोगों से पैसे लेती है? मैंने कहा ये बुरी बात है। चुप कर दादी अम्मा। अरे सकीना मैं तो भूल ही गई, वो तेरे बेटे का नाम क्या है? मुश्ताक। अच्छा मैंने तो उसे स्कूल में देखा है, वो मास्टर जी से डरता है। हाँ बेटा वो कभी कहीं गया नहीं ना, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। बड़ी होकर भी डर लगता है। सकीना पढ़ाई से कैसा डर, अब उसे पढ़ने भेजा है तो खूब पढ़ने देना। अरे कासिम भाई यहाँ काहे बैठे हो? भाई हमारे ये बात समझ नहीं आई, अपनी जान मारकर क्यों कौए को हंस की चाल चला रहे हो? और ऐसे कैसे बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे बस ठीक है यूं ही, सर दुख रहा था। अरे कल तो क्या क्या दुखेगा, बेटा तो वहां होता है काम में हाथ बटाता है और तुमने उसे ही पढ़ने लिखने भेज दिया, ऐसे कब तक जियोगे तुम? जफर मैं जितने दिन अल्लाह मियां से लिखा के लाया हूं जी लूंगा बस। पढ़ लिख कर तुम्हारा लड़का कोई लाज साहब नहीं हो जाएगा? अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, हाथ बटाते हैं काम काज में। अरे भाई उसने कौन सा मना किया है, ये तो मैं बस राम प्रसाद के कहने पे कर रहा हूँ। भाई हमारा तो तजुर्बा है ये राम प्रसाद दूसरों के मसलों में बड़ी दखल अंदाजी करता है। अरे मुश्ताक बुनकर का लड़का है, बैठेगा तो अड्डे पर ही। देखो मेरा बस चले तो अड्डे पे ना बैठे, मैं तो चाहता हूँ पढ़ने लिखने स्कूल जाए। अरे मियाँ सैकड़ों सालों से जो बाप दादा हुनर सिखा कर गए हैं वो सब किताबों में गुम हो जाए। जफर हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाए तभी कुछ बन पाएंगे। खाक बन जाएंगे, एक इंच भी बुनाई नहीं होगी, और बाकी बच्चों को क्या भूखा मारोगे? अरे वैसे भी तो मर रहे हैं, चल पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जी जाएं। हमारे बाप दादाओं के हुनर में यही क्या है, भुखमरी और लाचारी बस। लोग ठीक कहते हैं किताबों में जादू है, लोगों का तो पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता है, तुम्हारा तो बस किताबें देख कर ही हो गया। बहुत बढ़िया बना। देखो देखो मरा कैसे नजर मार रहा है थाली पर। अरे बच्चा है उसे थोड़ा सब्जी दे दिया करो। तो अपने बच्चों के मुंह से निकाल कर दे दूं क्या? अरे देख नहीं रही सूखी रोटी खा रहा है। तो तुम्हें कौन सी रोज रोज मिल जाती है, जब देखो तब सामने बैठ जाता है सूखी रोटी लेकर। अरे सकीना मेहनत मशक्कत भी तो करता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा लाडला कहाँ है आज? कह रहा था फूल सिंह के साथ पढ़ेगा। देखो भाई
मुझे तो लग रहा है कि वो आजकल झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलेगा भला? भाई मुझे लगा, अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल वो काम भी नहीं सीख रहा है। अब एक दिन में तो मौलवी नहीं ना बनेगा वो। तो ठीक है, जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा वो हमारे तुम्हारे क्या काम आएगा। लेकिन हाँ, आजकल उसका ध्यान ज्यादा कंचों में है, पता नहीं कहाँ से जेब में गोलियां भर के घूम रहा है। एक बार रामप्रसाद भैया को बात करते तो पता लगता कि बचुआ तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन सकीना एक बात है, तुम ठीक कहती हो कि वो एक दिन में मौलवी तो बन नहीं जाएगा, भाई थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। देखो सकीना, मेरी फिक्र मत किया करो। अरे मेरा हाथ बढ़ाने के लिए है ना अनवर। हाँ, और मेरा चार दिन में हाथ बढ़ा देता है पैसे के लिए। देखो सकीना, अल्लाह मियां ने सबको पेट दिया है, उसमें इसका क्या कसूर और हमारा क्या कसूर। ठीक है ठीक है, मैं उसे सब्जी दे ही देती हूँ, वरना कौन हजम कर पाएगा इसे। अनवर ये ले। लेकिन सुनो, तुमने मुश्ताक के लिए तो रख दिया है। हाँ हाँ, फिकर मत करो, मुश्ताक के लिए मैंने रखा है निकाल के। यहाँ बिछा दे। हाँ लाओ। वाह, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, कुछ भी बोलो। जब भी मैं आता हूँ मेरी बहुत खातिरदारी करती है। हाँ भैया, तू ठहरा पढ़ा लिखा आदमी, हम तो अनपढ़ गवार हैं भैया, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। अभी जरा पैर सीधे कर, चल जाके अपना कालीन का काम देख जा, उधर बहुत काम है। मेरी भाभी है मेरी खातिरदारी करने के लिए। भाभी आप बैठो बैठो। भाई वहाँ अनपढ़ है, काम देख रहा है, मुझे भी थोड़ा सुस्ताने दे। देखा भाभी, मुझे मालूम है तू मानेगा नहीं। हाँ। भाई काम कर, आज शहर खत डाल ही दे। मगर वहाँ होगा कौन? अरे कोई तो होगा ना भाभी, मनसुखानी पूरे दफ्तर को ताला लगाकर तो नहीं गया होगा ना। ठीक कह रहा है, और लेकिन खत में ये जरूर लिखना कि भैया हमें काम चाहिए, रुपया भी चाहिए, और हाँ अनवर को भी पैसे चाहिए, भैया उसे भी तो कुछ देने है ना। हाँ। भाई जान, आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है हमें। मैंने भाभी? जी हाँ, अनवर के आने से घर में दो हाथ बढ़े हैं, मगर साथ में एक पेट भी तो बढ़ा है, और फिर मुश्ताक के लिए। सकीना चुप रहा करो। क्या चुप रहूं जी, रोज रोज स्कूल में देने के लिए खाना कहाँ से लाऊं, अपने ही बच्चों की ग्रास गिनती रहती हूँ, मगर क्या करूं। सकीना मैंने बोला चुप रहा करो। हाय अल्लाह, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है, राम प्रसाद बोलो। हाँ। ये बताओ भाई, हमारा मुश्ताक स्कूल में ठीक से पढ़ तो रहा है ना? गया प्रसाद ने कोई शिकायत तो नहीं की है? उसके बिना कमर टूट रही है इनकी। देखो भाभी, बीज बोया है तो फसल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। देखो भाभी, थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ेगा ना, क्यों कासिम? वो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन फिर भी एक शहर खत डाल ही दो, देखो शायद कुछ सहारा बन जाए हमारा। ठीक है कासिम, मैं खत डाल दूंगा, फिकर मत। हैं? हाँ। क्या कह रहा है तू? वो नहीं है, रंगू किसे में? अरे है ना, कल ही तो दी थी मैंने अनवर को। कहाँ है? उधर तो कुछ भी नहीं है। हाय अल्लाह, शक्ल से तो बड़ा भोला दिखता था। अरे वो क्यों लेके जाएगा? अरे तो फिर उन गई कहाँ, जमीन खा गई क्या? पैसे नहीं दिए था ना, जो मिला ले भागा। अनवर भाई भाग गए। हाय अल्लाह, आप क्या करेंगे? मैं अब अकेले कैसे काम करूँ? मैं स्कूल जाऊंगा।
अरे मुश्ताक बेटा। जी अम्मी। आज स्कूल नहीं जाना क्या? छुट्टी है ना इसीलिए। अरे आज फिर छुट्टी? रोज रोज तुम्हारे स्कूल में छुट्टी क्यों होती है? आज इतवार है ना अम्मा, इसलिए छुट्टी है। हाँ हाँ, कोई ना कोई वार तो होना ही है। अच्छा रंग जरा ठीक से घोटना और जल्दी कर, बच्ची उठ गई ना तो कोई काम ना होने का। तेरी स्कूल की तरह थोड़ी ना है, जब चाहो तब बंद। अम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, आज सचमुच बंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, बंद है तो बंद है, सच क्या और झूठ क्या। सलाम सकीना भी। सलाम सलाम, आइए दाई जी बैठिए। अरे आज के दिन भी बच्चे से काम करवा रही हो? भाई आज तो छुट्टी का दिन है। लो मुझे क्या पता आज कौन सा दिन है, मेरे लिए तो सारे दिन एक बराबर होते हैं। बताया था ना अम्मी आज इतवार है। मेरी अच्छा। भी अम्मी कभी कभी सुनती नहीं है। तुम उनके बेटे हो? हाँ। तुम कंचे खेलते हो? हाँ। तुम कौन हो? मैं ज्योति हूँ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे एक आसन दिया था, वो मेरे दादी ने ले लिया, मुझे और चाहिए। मेरे पास इतनी किताबें हैं, तुम्हारे पास है? मेरे पास नहीं है। अरे है ना, मेरे पास मेरे स्कूल की किताबें हैं। अरे तुम्हारे हाथ नीले क्यों है? रंग बना रहा था ना इसलिए नीले हो गए। पर यह नीले क्यों है? हरा रंग बना रहा था इसलिए। ये तो नीला है, मुझे सब रंग पता है। तुम्हें नहीं पता है? पता है जी पता है। अच्छा फिर ये बताओ कि हरा रंग कैसे बनता है? हरी पेंसिल से रंग बनो तो हरा रंग बन जाता है। नहीं पागल, ऐसे नहीं बनता है। माई मुझे पागल बोलता है। मैं बताऊँ कैसे बनता है? जब हम नीला और पीला रंग मिलाते हैं ना तब हरा रंग बनता है। हट, नीला पीला मिलाने से कैसा हरा रंग बनेगा? और एक और चीज बताओ, जब हम नीला और लाल मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या? जब हम नीला और लाल मिलाते हैं तो जामुनी रंग बनता है। जामुन तो हमारे घर में होते हैं, पेट पर जिस कपड़े पर लग जाता है वो जामुनी हो जाता है, खा लो तो जीभ भी जामुनी हो जाती है। अच्छा मैं रंग बना सकता? तुम बना सकती हो? मैं कहती है और गोभी का फूल कहता है, मैं बातें बना सकती हूँ, चाहे जितनी भी बनवा लो। अच्छा मगर एक बात बताओ, गोभी का फूल कैसे बोल सकता है? बोल सकता है जी, स्कूल भी जाता है और तुम्हें कंचे भी देता है। अच्छा अच्छा वो फूल सिंह, तुम उसकी बात कर रही हो? तुम उसे जानती हो? जमुना काकी को भी जानती हूँ, वो माई की सहेली है ना। लेकिन फूल सिंह को कैसे जानती हो? ओफो, तुम्हें रंगों के सिवा कुछ आता भी है? जमुना काकी उसकी माई है ना। अच्छा अच्छा वो जो चल नहीं पाती है। पागल, वो मोटी जो है। चुप पगली। अरे सकीना अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो, कितनी दुबली पतली हो गई हो। अगर खाओगी पियोगी नहीं तो चलोगी फिरोगी कैसे? माई मोटी भी नहीं चल सकती और पतली भी नहीं चल सकती, फिर मैं क्या हूँ? तोता है तोता और क्या। सारा सारा दिन काठी पर बैठोगे तो बदन तो दर्द करेगा ही ना। ये छोड़, जरा अपनी सेहत का सोचा कर। देख अब तू अकेली जान तो है नहीं, घर का भी काम सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। अब इसे नहीं ना फूका करो। ये थोड़ा सुस्ता रहा था मैं तो। कितनी बार कहा है कि मत फूका करो। अरे आओ भाई राम प्रसाद आओ आओ। एक खुशखबरी लाया हूँ भाई। खुशखबरी? ये देखो मन सुखानी के दफ्तर से खत का जवाब आया। अरे भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा कहाँ है? अरे लिखा कहाँ है, छह कालीन चाहिए। छह कालीन? कालीन बनाएगा कौन, ऊन कहाँ से आएगी? या अल्लाह क्या मुसीबत है। वाह भाभी तुम भी कमाल करती हो। अरे इतने दिन से काम का इंतजार कर रहे थे, अब काम आ गया तो ऐसे कह रही हो? ऐसा नहीं चलेगा कासिम, समझा दो भाभी को, हम सेवई खाकर ही रहेंगे। हाँ भाई सेवैयां खिला देंगे। लेकिन ये बताओ भैया उन्हें कैसे कैसे कालीन चाहिए? अरे भैया कल उनकी लड़की आ रही है, वही सब समझा देगी इसमें क्या है। लड़की? भला लड़की क्यों आएगी? अरे भाई शहर में ऐसा ही होता है सब। लड़की आएगी तो दूध तो चाहिए ना। अरे दूध किस लिए चाहिए? वो लड़की कालीन बनवाने आ रही है। बनाने तो नहीं ना आ रही, मेहमान घर में आएगा तो चाय तो लगेगी। अरे ओहो यार क्यों झगड़ रहा है यार, छोटी सी बात पर भाई है। मुश्ताक को मेरे साथ भेज देना, मैं दूध दिलवा दूंगा, हो गया। अरे राम प्रसाद
छह कालीन बनाने हैं। हाँ भैया छह। भैया तो मुश्ताक को तो साथ में लगाना ही पड़ेगा। हेलो, अब उसका स्कूल छुड़वाओगे? हाँ, अभी अभी तो कुछ सीखना शुरू किया उसने। भाईजान, स्कूल तो उसकी छुड़वानी ही पड़ेगी, पार ना नहीं ना पड़ती। काहे पार नहीं पड़ती? अरे स्कूल में कोई फीस भी देना पड़ती है क्या? ठीक है भैया, फीस भी नहीं जाती है? लेकिन रोज के तो खर्चे होते ही है ना। रोज कपड़ा, रोज का खाना, कल किताब तो आज स्लेट, बड़ी मुश्किल है भाईजान। अच्छा भाभी, वो तार वाली बात भूल गई? अरे छोड़ो छोड़ो राम प्रसाद, तुम मेरे से बात कर। देख भाई, वो तुम्हारे जमाने में स्कूल में मास्टर बनना सिखाया जाता होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कंचे खेलना, लट्टू चलाना, पेड़ चढ़ना, बस यही सब सीख रहा है खुराफा। अरे भाभी, तो बच्चा है, बच्चे के खेल है ये, खेलने दो उसको। हाँ हाँ खेलेगा, तो उसे खेलने के लिए मैंने अड्डा छुड़वाया था क्या? लो कर लो बात। अच्छा ये बता, वो लड़की कल कितने बजे आ रही है? कल शाम को 4 बजे आ रही है। 4 बजे? एक काम करना, तू भी आ जाना। अरे भाई मेरा क्या काम है, मैं क्यों आऊं? अरे समझा कर। यार मैं उस लड़की से अकेले में क्या बात करूंगा? सुना भाभी, कैसा शेर बनता है, अब बिल्ली की तरह बात कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक है यार कासिम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो आऊंगा ही ना यार, आ जाऊंगा मैं। अच्छा ना करना, ठीक टाइम पे आ जाइयो। अच्छा भाभी। अब तुम क्यों मुंह फाड़े हंसे जा रहे हो उस मूर्ख की तरह? ये कालीन बुनने कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुश्ताक जी। अबू इसे छोड़ और जाके काठी पे बैठ। नहीं अबू, मुझे इसमें से देख के फोटो बनाना है। देख, कोई फोटो वोटो नहीं बनाना है। क्यों? मास्टर जी ने सबको बनाने के लिए कहा है, मुझे भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मुर्गा बना देंगे। मैंने कहा है तुम्हें नहीं बनाना है। नहीं अबू, मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ, ज्योति भी यही कहती है। बताओ ये देखिए। मैंने जब कह दिया नहीं बनाना है। नहीं अबू, मैं बनाऊंगा। देख बेटा, तेरी अम्मी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, बात यह है कि आजकल उसकी तबीयत खराब है और वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरी अम्मी तो सब कुछ कर सकती है। अरे तू बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? देख तुझे तो पता है वो अनवर भी चोरी करके भाग गया है। ज्योति कहती है चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे ज्योति कौन है? तोता है, तोता दाई माई की लड़की है। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा एक काम करना, कल तुम स्कूल चले जाना और जाकर अपना नाम कटवा देना। नाम कटवा देना? नहीं अबू। हाँ कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे। नहीं अबू, मैं स्कूल जाऊंगा। जब मैंने कह दिया नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बस। मैंने और फूल सिंह ने दौड़ में भी हिस्सा लिया है, स्कूल जाना जरूरी होता है ना अबू। देख बेटा, मैं और तुम मिलकर कालीन बुनेंगे। हाँ हमें कालीन बुनना है, तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे। नहीं अबू, मैं स्कूल जाऊंगा। बेटा तुम जाकर अपनी अम्मी की मदद करो। नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, सब मुझ पे हंसेंगे। जब तुम स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे हंसेंगे तुम पे? अबू मैं स्कूल जाऊंगा। अपने से कमजोर की किस्मत का फैसला कर रहे हो तुम कासिम? हाँ भैया कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा ताकत वाले ने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया। बहुत ही खोखले इंसान हूँ। हाँ भैया हूँ। हाँ भैया हूँ, जब देखो रोना गाना रोना गाना। पढ़ाई हर बीमारी का इलाज है। भैया गरीबी का कोई इलाज नहीं है, ये पढ़ाई भी नहीं है। जब देखो खतरा ही खतरा, बुलबुला सा फटने का डर। तुम तो मुझे अपने आप को समेटने दो बस। अपने को समेटते समेटते तुम अपने बच्चों का दम घोट दोगे। अरे तुम जानते हो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और एक तुम हो उन्हें अंधेरे कुएं में घसीटने की कोशिश कर रहे। ये उनकी तकदीर है आसिम। अरे मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारी बच्चियां भी बड़ी होकर पढ़ें। भैया हमें तो तुम माफी करो, देखो ये पढ़ाई लिखाई का शौक हम पूरा नहीं कर सकते। ये जो तुम सपने देख रहे हो ना, किसी और के लिए देखो। मैं भी पहले सपने देखा करता था, लेकिन अब मैंने तो अब सपने देखने ही बंद कर दिए। लेकिन कासिम, हम अपने सपने बेकार क्यों जाने देते हैं?
क्योंकि दूसरे लोग हमारे सपनों पर पांव रखकर उसे कुचल देते हैं। यार छोड़ इस बात को, पहले जो आ रही है उसकी सोचो। जब आएगी तब देखा जाएगा। मेरी बात सुनो, जल्दी में हाँ हाँ मत कर देना, उनके साथ पेशगी भी ले लेना। बहुत बड़ा ऑर्डर देने आ रही है, काफी पैसे होंगे उनके पास। अरे भाई कुछ दे जाएगी तो अच्छा है, वैसे भी सकीना को अच्छी खुराक की जरूरत है और बच्चे भी खाने के लिए तरसते रहते हैं। वही तो समझा रहा हूँ कासिम, कब तक दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा रहोगे, कब तक ये कारीगर का हाथ भूख से कांपता रहेगा। मेरे भाई ये भाषण उनके सामने मत देना, वो लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की क्यों आ रही है। कैसे समझ में आएगा, तुम तो अंधेरे में जी रहे हो। तुम्हें पता है लड़कियां दुनिया चला रही हैं, पढ़ना लिखना सीख रही हैं। लिखने की प्रैक्टिस भी करोगे, समझे मुश्ताक जी? मास्टर मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये बोल रहा था। इधर आओ, चलो। लेकिन मास्टर, चलो इधर आओ। जारी तो मास्टर जी और जोर से मारेंगे। भूल सिंह, तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है, तुम्हें बुलाऊं? नहीं मास्टर। ये मेरे लिए है। मैं प्रिंसिपल साहब के साथ आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक के तुम इस क्लास को संभालोगे, समझे? जी मास्टर, मेरे पिताजी सबको ठीक करते हैं, मैं मुस्ताक की मदद करूं? वो ठीक है, पर मॉनिटर मुस्ताक ही रहेगा, समझे? जी जी, हल्ला नहीं करना क्लास में। और जी देखो अब मैं कैसे क्लास संभालता हूँ। ए मैं मॉनिटर का दोस्त हूँ, कोई हल्ला नहीं करेगा वरना मारूंगा तुमको, मारूंगा। ए तू हंस क्यों रहा है, पढ़ाई कर। ए तू क्यों हंस रहा है, मारूंगा तुझे। इधर आ, आना। ए चुप बैठो, इधर आ। मैं आज ही स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? तू मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है तू? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, अब्बू ने कहा था। सारा मूड किरकिरा कर दिया, तुम पागल हो गया? कह रहे स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बताऊँ, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल करो तुम, भूख हड़ताल, खाना मत खाना। खाने की तो बात है, घर में खाना ही नहीं है, सब भूखे हैं। ये तो सच है यार, लेकिन तू सुन, तू फिक्र मत कर, मैं घर से खाना लेके आ जाऊंगा। लेकिन तू स्कूल मत छोड़ यार, देख अभी तो हाथ में डंडा है, आगे चल के और भी मजा आएगा। यही तो कहती है मम्मी चाचा से कि मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता हूँ, ना ही कुछ सीख रहा हूँ, सिर्फ मजा कर रहा हूँ। तेरे चाचा नहीं रोकेंगे तुझे स्कूल छोड़ने से। देख तू स्कूल मत छोड़ यार, मुझे दूसरा दोस्त बनाना पड़ेगा। मेरा तो कोई और है ही नहीं। हर इंसान का फर्ज है ये मेहनत से जी न चुराए, मेहनत कश अपने कदमों पर सूरज को भी झुकाए। आंधी और तूफान में भी जो ज्ञान का दीप जलाता है, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है, बुलंदी।